नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम सीवी पर। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिलसिला बाजारों का, मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्री में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1900 के ऊपर है, इनफैक्ट $1939 पर ट्रेड भी करता नजर आ रहा है। अच्छे खासे लेवल से तेजी वाले लेवल से, लेकिन आज हल्का सा लाल निशान पर भी ट्रेड करता नजर आ रहा है, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नजर आ रही है। नजर डालें अगर सिल्वर के ऊपर तो सिल्वर $25.2 पर ट्रेड करती नजर आ रही है और 1.25% की गिरावट यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग है सिल्वर के अंदर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी शानदार लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जो लॉकडाउन वाले लेवल्स थे उन्हीं लेवल्स पर लगभग गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और ये जो सोने चांदी में अचानक से उछाल देखने को मिला है, इसके पीछे का कारण सिर्फ ज़्यादातर एक ही माना जा रहा है, जो कि है भू राजनीतिक तनाव। रशिया और यूक्रेन के बीच जो अभी लड़ाई चल रही है उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। और इसका असर हमने घरेलू वायदा बाजार पर भी पड़ता हुआ देखा, जहां पे घरेलू वायदा बाजार में तेजी आई उसी के साथ साथ हाजिर सराफा यानी कि सराफा बाजार में भी हाजिर बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से ऊपरी स्तर पर थोड़ी ग्राहकी कम हो गई और हाजिर कारोबारियों को डिस्काउंट्स पर अपना सोना चांदी बेचना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या यहां से अब सोने चांदी में और अच्छी रैली निकलेगी या फिर यहां पर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली करनी चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर एक बार फिर से तेजी की ओर निकले हैं, तेजी हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं लेकिन आज देख रहे हैं रैली भी है, ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो लाल निशान बनता नजर आया है इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों के ऊपर, तो क्या ये खतरे का संकट है, क्या ये खतरे की घंटी है, यहाँ से प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी रैली में ही रहे, कंटिन्यूशन में अभी और तेजी आएगी? देखिए अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, फिलहाल सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो काफी पॉजिटिव है मार्केट, और जिस तरीके से रिएक्शन देखने को मिल रहा है रूस और यूक्रेन के अंदर उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस के स्विफ्ट से भी यहाँ पर बैंकों की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके चलते एक्सपेक्टेड है कि अभी फिलहाल यहाँ पर सोना एक सेफ हेवन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सोने के अंदर तेजी बनी रह सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने इसको $1940 तक जाते हुए देखा है, वहां से अब जो आज हल्की करेक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है वो हो सकता है 1920 तक नीचे दिखाई दे, उसके चलते हल्की फुल्की गिरावट बन सकती है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक ये रूस और यूक्रेन का मामला नहीं सोल्व होता तब तक सोने और चांदी में तेजी बनी रहेगी। डिप आने पर वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, जो भी करेक्शन आए उस करेक्शन के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी इसी के साथ बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में मानो की आग ही लगी रही हो, देख रहे हैं कच्चा तेल $110 पर भी ट्रेड करता नजर आ चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 4.5% की तेजी के साथ है, WTI भी 4.5% की तेजी के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कच्चे तेल ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है अपने 2014 के बाद से अपने सबसे उच्चतम स्तर पर ट्रेड करते नजर आ रहा है कच्चा तेल। इनफैक्ट जो बैंक्स हैं बहुत सारे जो विदेशी बैंक्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपना जो अनुमान दिया था कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। जैसे पहले $125 तक अनुमान लगाया जा रहा था, $110 जैसी अचीव हुआ, अब यहां से $150 प्रति बैरल का भी अनुमान दिया जा चुका है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है कच्चा तेल यहां से अब और कितनी तेजी की ओर जाता नजर आ सकता है और इसका असर भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चे तेल में अभी फिलहाल रुझान तेजी का बना है, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो संकट गहराया है और युद्ध की जो स्थिति है इस वजह से फिलहाल कच्चे तेल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था और कच्चे तेल का खुद का फंडामेंटल भी काफी सपोर्टिव है, जिसकी वजह से तेजी की रैली जो है वो लगातार बनी हुई है। और जो एक्सपेक्टेशन थी कि कच्चा तेल इस साल में $100, $110, $120 तक जा सकता है, वो हमें साल के शुरुआत में ही वो लेवल देखने को मिल चुके हैं। अभी फिलहाल
जो यहाँ पर अभी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, डेफिनेटली हो सकता है आपको $120 से $140 तक कच्चा तेल WTI इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, और ब्रेंट भी 140 से 150 तक ऊपर जा सकता है। जिस तरीके का अभी सिनेरियो है, इस सिनेरियो में तो फिलहाल कच्चे तेल में कहीं भी कोई गिरावट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर करेक्शन बनती भी है तो $100 अब यहाँ पर सपोर्ट आ चुका है। $100 को अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो अब वापस रैली में रहेगा, और $100 को अगर ब्रेक करता है तो डाउनसाइड में $90 के आसपास कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में स्थितियां नॉर्मल होती दिखाई देंगी, लेकिन उससे पहले कच्चा तेल अब यहाँ से $120 की रैली पकड़ सकता है। और भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी रैली आई है, 8200 के ऊपर हम कच्चा तेल को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, यानी 8000 के ऊपर बहुत काफी यूं कहेंगे कि अपने हाई पर चल रहा है कच्चा तेल, और अब यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं होगी, 8500 से लेकर 9000 का भी स्तर बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो ये वॉर चल रही है इसी का ही इम्पैक्ट फिलहाल कमोडिटी मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कच्चा तेल लगातार तेजी की तरफ है, और अब ये तेजी 8500 से 8800 तक डोमेस्टिक मार्केट में फिलहाल जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में मानो कि अब आग ही लग चुकी है, और आग अभी और भड़कने वाली है, कीमतों में और इजाफा होने वाला है। रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो देख रहे हैं कि इस रैली में बेस मेटल्स भी पीछे नहीं है, बेस मेटल्स में भी लगातार तेजी दर्ज हो रही है। निकल 1928 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, MCX जिंक 312, MCX लेड 189 और कॉपर $4.5 पर। रूपा जी, आपका क्या राय रहेगा? बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं कि आगे जो बताया जा रहा है कि आगे खपत कंजप्शन बढ़ने की अनुमान दिए जा रहे हैं मार्केट्स एक्सपर्ट द्वारा, और जो फ्यूचर मार्केट है और जो इन्वेंट्रीज है उनमें भी देख रहे हैं इन्वेंट्रीज में कि बेस मेटल्स में थोड़ी गिरावट भी आई है, तो ऐसे में बेस मेटल्स के जो प्राइसेस हैं, क्या आगे उनमें भी एक अच्छी रैली, रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बेस मेटल को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आगे चलकर डिमांड और पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बेस मेटल्स में तेजी का ही रुझान है, और अभी आप देखिए कॉपर अगेन 780 के ऊपर है। अब यहाँ से कॉपर मुझे लगता है कि 800 से 820 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कॉपर में यहाँ से जो है अपसेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 780 के ऊपर सस्टेन हो जाता है अगर मार्केट, तो आप 820 तक का टारगेट कॉपर में लेकर चल सकते हैं। निकल में ऑलरेडी हम रैली आते हुए देख चुके हैं, 1900 के ऊपर है निकल, जल्द ही 2000 के स्तर भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यूं कहें कि बेस मेटल में काफी पॉजिटिव रुझान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड फैक्टर आगे चलकर पिकअप हो सकता है। जिंक जो लगातार हम 300 के नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही थी, अब जिंक में भी सपोर्ट आया है और मार्केट अगेन अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जिंक भी अब रैली की तरफ जा सकती है। ऑलरेडी हमने इसको अच्छी अपसाइड में आते हुए देखा है, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से जिंक 320 के ऊपर निकल सकता है, नीचे में 300 है तो ऊपर में 320, तो यानी कि आज हल्की फुल्की करेक्शन फर्स्ट हाफ में देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जो भी करेक्शन आए उसमें बेस मेटल में बाइंग की तरफ रहना चाहिए, और नए टारगेट जो है अब देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप इंट्राडे में नॉन एग्री के लिए, जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है, देख रहे हैं कि लगभग सब में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, नॉन एग्री की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज में ही तेजी का रुझान है, तो बाइंग जो है डिप पर बाइंग की सजेशन रहेगी। सोना चांदी भी अभी फिलहाल तेज है, कच्चा तेल भी सपोर्ट ले रहा है, और बेस मेटल में भी तेजी है, तो मेरे हिसाब से सभी कमोडिटीज में बाय किया जा सकता है करेक्शन पर। लेकिन अभी कच्चे तेल की बात करें तो ऑलरेडी अपने हाई पर चल रहा है और 4% की तेजी है, तो इन लेवल्स पर बाइंग रिस्की है। तो इन कंपैरिजन ऑफ कच्चा तेल मुझे लगता है कि इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बेस मेटल में बाइंग की रणनीति बनाकर चला जा सकता है, और कच्चे तेल में अगर करेक्शन मिले तो वहां पर भी बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहां से जो टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो $120 तक ऊपर की तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।